तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। क्योंकि उससे पहले मैं बता दूं, कंपनी ने इस क्वार्टर में किसी प्रकार के डिविडेंड की चर्चा नहीं की है। चलिए नंबर देख लेते हैं। डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको क्रोस में कन्वर्ट करके समझाता हूँ। पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 1220 करोड़ के आसपास था। पिछले साल की बात करें तो मात्र 967 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 1363 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 40% के आसपास की तेजी है कंपनी के टोटल इनकम के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल रही। कंपनी का नेट इंटरेस्ट इनकम क्या बनता है, जहाँ से कंपनी का मेजॉरिटी पार्ट मेजर रेवेन्यू जनरेट होता है, वो देख लेते हैं। पिछले क्वार्टर में 1081 करोड़, पिछले साल 818 करोड़, अभी देखें तो 1184 करोड़ के आसपास है। तो क्वार्टर क्वार्टर 10% और साल दर साल वही मैंने आपको बताया कि 40% के आसपास की तेजी यहाँ पर भी देखने को मिल रही। चलिए कंपनी के खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल खर्चे 831 करोड़ के आसपास, पिछले साल 703 करोड़, अभी देखें तो 953 करोड़ के आसपास कंपनी के खर्चे देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के खर्चे भी बोले तो ऑन एंड एवरेज बैलेंस ही देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का नेट प्रॉफिट क्या निकल के आता है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का नेट प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 293 करोड़ के आसपास, पिछले साल 126 करोड़ का प्रॉफिट, अभी देखें तो बढ़ के 309 करोड़ आ चुका है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल कंपनी का जो प्रॉफिट है ऑलमोस्ट 250% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिल। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर भी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो हल्का सा बढ़ा है, ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं, अप्रोक्सीमेटली हल्की सी तेजी आपको देखने को मिली क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का प्रॉफिट के अंदर, 3% के आसपास की तेजी है। चलिए कंपनी का EPS देख लेते हैं, उसके बाद NPA देखते हैं, ग्रॉस NPA के क्या अंदर चेंजेस है। पिछले क्वार्टर में EPS 1.50, पिछले साल 0.73, अभी देखें तो 1.53 के आसपास है। तो EPS के अंदर भी क्वार्टर क्वार्टर हल्का सा चेंजेस, लेकिन साल दर साल एक बड़ी उछाल देखने को मिल रही। ग्रॉस NPA की बात करते हैं, पिछले क्वार्टर में 3.464 था, पिछले साल 7.34, अभी देखें तो 2.88 के आसपास ही है। तो साल दर साल कंपनी का जो ग्रॉस NPA है उसके अंदर बहुत बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, जो कि बहुत अच्छी बात है, पॉजिटिव साइड है कंपनी के लिए। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर है तो शानदार, लेकिन कंपनी ने एक छोटी सी गलती यहाँ पे की है कि कंपनी का जो क्वार्टर क्वार्टर जो एक्सपेंस जो है वो कंपनी ने इस क्वार्टर में कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से क्वार्टर क्वार्टर कंपनी का जो प्रॉफिट है वो आपको गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो मेरे हिसाब से पॉजिटिव नंबर है, लेकिन उतने तोड़फोड़ वाले भी नंबर कंपनी ने दिए, बस नॉर्मल से नंबर दिए हैं। देखते हैं मार्केट इसको कैसे रीड करेगा, लेकिन मेरे हिसाब से नॉर्मल से नंबर है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।